चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, स्टेटमेंट दी गई है, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी यहां पर देखिए 100 और 200 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकालना है, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे बिटवीन 100 और 200, 100 और 200 के बीच सारे ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अब 100 और 200 के बीच कितने ऑड नंबर्स होंगे उनको तो पहले हम लिख लेते हैं। स्टार्ट कहां से होगा, 100, उसके बाद 101, यानी पहला ऑड नंबर क्या होगा 100 और 200 के बीच, पहला ऑड नंबर क्या होगा 101। तो हम लिख ले रहे हैं, देखिए सीरीज बन जाएगी, यहाँ पहले लिख ले रहे 101, उसके बाद 103, उसके बाद 105, उसके बाद 107, ऐसे एंड सो ऑन, और यहाँ 200, 100 और 200 के बीच चाहिए, तो लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट ऑड नंबर होगा 199। लास्ट ऑड नंबर क्या होगा 100 और 200 के बीच में 199, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमें एपी सीरीज मिल गई, अब यहां से हम निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू, 103 माइनस 101, तो ये आ जाएगा कितना, ये लिखे हैं 2। और क्या दिया गया आपको, देखिए लास्ट टर्म यानी एनएच टर्म दिया गया, एनएच टर्म दिया गया 199, ये देखिए 101 103 105 107 एंड सो ऑन 199, यानी कि लास्ट टर्म जो एनएच टर्म है, यहाँ सीरीज शुरू हुई उसके बाद यहाँ लेकिन डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी कि कहां तक गया ये सीरीज शुरू हुई, कहां तक गई एनएच टर्म तक, तो यहाँ पे एनएच टर्म क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया गया 199, ठीक है, ये भी लिख लिया गया। तो चलिए यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे स्मॉल एन के वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं एनएच टर्म का, तो एनएच टर्म का फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस, यहाँ लिख लेंगे एनएच टर्म का एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एनएच टर्म हमें दिया गया कितना 199, ए कितना है फर्स्ट टर्म दिया गया 101 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें पता नहीं, डी की वैल्यू कितनी दी गई, डी की वैल्यू दी गई 2, डी कितना है देखिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 199 इक्वल टू 101 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 199 इक्वल टू 2n प्लस 99, होगा ना 101 माइनस 2, 101 से 2 माइनस करेंगे तो 99 आएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 199 माइनस 99 इक्वल टू 2n, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस करेंगे तो आई है 2n, तो हो जाएगा 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू n, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50, यानी कि 101 जो ये सीरीज दी गई एपी सीरीज इसमें कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स है, 50 टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू होंगे, अब हमें क्या चाहिए द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, यानी सम चाहिए हमें, प्लस करना है, तो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, सम वाला सबको पता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लगा सकते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये भी लगा सकते हैं, ये वाला भी ए प्लस एल वाला कब लगाते हैं, जब हमें लास्ट टर्म दिया हो, यानी एनएच टर्म दिया हो, तो हमें लास्ट टर्म दिया गया, लास्ट टर्म बोलिए एनएच टर्म बोलिए दिया गया, तो इसलिए ये वाला लगा ले रहे, ठीक है। और अगर ये लास्ट टर्म या एनएच टर्म ना दिया होता तो हम लगाते क्या एस एन इज इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तब वो वाला लगाते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एस एन एन की वैल्यू कितनी निकाली, एन की वैल्यू निकाली 50, यानी एस 50 हम निकाल लें, एस 50 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 50 अपॉन टू, यहाँ ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी दी गई 101, यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी 101 प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म यानी एनएच टर्म कितना 199, इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ पे आएगा अगर इसको प्लस कर दें कितना आ जाएगा, ये देखिए इसको अगर हम यहाँ प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 300, ठीक है 101 प्लस 199 तो कितना आ जाएगा 300, तो यहाँ पे आ गया 300, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 7500, यानी कि आपने निकाल दिया क्या सम ऑफ 50 टर्म्स, कह रहा था ना सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, तो 100 और 200 के बीच जितने ऑड नंबर्स हैं सबका सम कितना आएगा 7500, ठीक है। कल